लूज लगे तो बताना, अगर निकलने का लगे ना। अभी हमने पहले ही ड्राई कप अप्लाई किए थे हल्का ऑयल लगा के, जिससे कि कप जो है हमारे पता लग सके कि वो कंटिन्यू हो पाएंगे या नहीं। वो लगेगा कि हाँ कप स्टेबल हमारे हो जाएंगे, उसके बाद कट्स लगा के दोबारा अप्लाई करेंगे। वरना कई बार क्या होता है, हमने अगर पहले कट लगा दिए तो जो कप से हमारे वो रुक नहीं पाते, गिर जाते हैं, तो उससे बॉडी का जो ब्लड भी बनता है बॉडी के ऊपर ही। इसी तरीके से सारे पहले हम ड्राई कप जो है अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोबारा से कट्स लगाएंगे, फिर कप्स को अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ कट्स लगाए वहां से ब्लड निकलना शुरू हो गया। अभी ये क्या है, हमारे जो है यहाँ स्कल पे कोलोजन बढ़ जाते हैं जब ब्लड में, तो यहाँ पे डैंड्रफ वगैरह होना, बाल झड़ना, गंजेपन आना इसी की वजह से होता है। तो जब हम थेरेपी करते हैं तो इसमें ब्लड के साथ में टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तो हेल्दी ब्लड आता है, तो यहाँ से गंजेपन से दूर होता है। अगर किसी को भी हेयर ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम है तो इससे ठीक होती है। हम पहले सिटिंग कर रहे हैं, इनका फोटो लिया है, उसके बाद इनको धीरे धीरे जो ट्रीटमेंट देंगे तो इनको क्या इम्प्रूवमेंट आएगी वो बताएंगे। धीरे धीरे कप्स को अप्लाई करेंगे, एक साथ सारी नहीं लगाएंगे, 4-5 ही सफिशियंट है। तो कई बार क्या होता है, हेड पे लगाते हैं तो यहाँ पे जिससे हेयर्स है तो कप्स जो है जल्दी रिमूव हो जाते हैं, तो प्रिकॉशन थोड़ा रखना है। 5-4 कप्स ही अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे। वरना कई बार क्या है, कप निकलते हैं तो ब्लड जो है बॉडी पे गिर जाता है सारा। अब इस वजह से काफी ब्लड निकल गया है, इसको हम अभी रिमूव करेंगे। तो उसको बड़ी सावधानी से रिमूव करना होता है, जिससे कि ब्लड जो है बॉडी पे ना डले। अपने आप को पूरी तरह से कवर करेंगे मास्क से और हैंड ग्लोव से। हम देखेंगे गाढ़ा ब्लड भी है इसमें, जो कि एक क्लॉट बनाता है, जो यहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ नहीं होने देता। इसी तरह से हम सारे कप से अप्लाई करेंगे और रिमूव करेंगे।